आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। नीमच में शनिवार को यातायात विभाग द्वारा स्थानीय प्राइवेट बस स्टैंड पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें यातायात विभाग द्वारा ऑटो चालक, बस चालक और बस स्टैंड पर मौजूद नागरिकों को यातायात नियमों के संदर्भ में जानकारियां दी गयी। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के एक दिवस पर यातायात विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिसको लेकर शनिवार को यातायात विभाग द्वारा स्थानीय प्राइवेट बस स्टैंड पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें यातायात विभाग द्वारा ऑटो चालक और बस स्टैंड पर मौजूद नागरिकों को यातायात नियमों के संदर्भ में जानकारियां दी गई। यातायात थाना प्रभारी मोहन भरावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माह के एक दिवस में यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाना है, जिसको लेकर आज बस स्टैंड पर ऑटो चालक और बस चालकों को यातायात नियमों के पालन की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही वर्तमान में नशे से आजादी पखवाड़ा 12 जून से 26 जून तक मनाया जाना है, उसको लेकर भी लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया है। यातायात विभाग द्वारा ये जागरूकता अभियान नीमच शहर के विभिन्न विद्यालयों में भी चलाया जा रहा है और विभाग द्वारा ये जागरूकता अभियान निरंतर आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान यातायात विभाग द्वारा उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहना और यातायात नियमों का पालन करने को लेकर शपथ भी दिलाई गई। देखिए, दो महत्वपूर्ण विषयों पे आज यहाँ पे हम लोगों ने एक बैठक आयोजित करी थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दो विषय थे, एक था नशे के खिलाफ जो एक अभियान चल रहा है, इसमें एक पखवाड़ा शासन के आदेश से मनाया गया है कि नशे से आज़ादी को लेकर के, उसके संबंध में तथा एक जो पुलिस मुख्यालय का आदेश है जो प्रति माह एक दिन जो है यातायात जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाना है, उन दोनों को लेकर के हमने आज यहाँ पे बस ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर और बस स्टैंड पे जो उपस्थित व्यक्ति थे उन लोगों को हमने एक विशेष कार्यक्रम रखा था। उसमें सभी लोगों को नशा ना करके नशे के खिलाफ भी हम लोगों ने उनके दुष्प्रभाव और नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया, साथ ही नशा करके जो लोग वाहन चलाते हैं या यातायात नियमों का उल्लंघन करके जो वाहन चलाते हैं, दुर्घटनाएँ जो घटित होती उन्हें रोकने के लिए क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से यातायात के हमने वाहन चलाना चाहिए, ये सब प्रकार के हम लोगों ने बिल्कुल आज हम अभी सुबह हमने अल्फा स्कूल में भी जाके बच्चों के बीच में भी ये दोनों विषयों को लेकर हमने चर्चा करी थी, वहाँ भी हम लोगों को समझाई दी गई थी और ये आज निरंतर पूरे जिले में इस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा। और अभी पखवाड़ा है तो प्रतिदिन इसमें नशे के कहीं ना कहीं हम लोग इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये 12 जून से चालू हुआ था और 26 जून तक ये पखवाड़ा चलेगा और इसमें विभिन्न विभागों में सभी जगह सारे विभाग जो हैं इसमें जाके अलग अलग विषयों पर इसको चर्चा करेंगे, लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करके नशे से आज़ादी का प्रयास करेंगे। तो ये था आज का अपडेट, लगातार अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।